बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण दिवसों नवम्बर समेत राज्य भर में कार्यक्रम। सीएम, राज्यपाल और तमाम मंत्रियों ने चैत्य भूमि में दी श्रद्धांजलि। भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई समेत राज्यभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम चले। मुंबई की चैत्य भूमि पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। यहां डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत तमाम मंत्रियों ने भी बाबा साहब का अभिवादन किया। वहीं पनवेल में बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर, महापौर कविता चौतमल एवं मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। प्रशांत ठाकुर ने कहा कि बाबा साहब के विचार आज देश की प्रगति, शांति और सद्भावना के लिए जरूरी हैं। उन्होंने सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो के संदेश को अपनाने पर जोर दिया। नई मुंबई में भी संविधान निर्माता को याद किया गया। बाबा साहब वो भारत के संविधान करते हैं, संविधान के जनक है, तो सभी यहाँ पे 50 साल हुआ। यहाँ पे रिक्शा यूनियन का स्टैंड है, यहाँ पे लुम्बिनी बुद्धिहार रिक्शा स्टैंड चालक मालक संगठन की ओर से 10 साल से यहाँ पे ऐसा चाहा तो 10 साल से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। जो संविधान में लिखा है वही से हम लोग सब रिक्शा चालक मालक है, हर जात वाला है, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जात के लोग यहाँ पे रिक्शा वाले हैं। उन माध्यम से सभी को साथ में लेके यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का 6 दिसंबर का कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जाता है। बाबा साहब ने असे केले सगळे गोर गरीब साठी, ती बोला जी आपल्या ताकत नाही, मी बोल दाखवतो की असं आहे की आज या ठिकाणी आम्ही चैत्यभूमीला जाणार नाही असा वरचा आम्हाला मुख्यमंत्री आदेश दिलेला आहे। करोनामुळं बेमनमुळं आम्ही आमचा दलित समाजानं आम्ही लोकांनी कुठलाही आम्ही भाग केलो। प्रकाश आंबेडकर, जितेंद्र आव्हाड, रासो गवई, राठोड साहेब आम्हाला सांगितलं की दादरच्या पुढे जास्त गर्दी करू नका, हीच आपला फायदा आहे। आमच्या जनतेने दलित समाज आम्ही हीच भूमिका घेऊन आम्ही चालवलो। बाबासाहेब के हम सब विचार पे एक अनुयायी है, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हमें जो संगठन बांधने का है तो वो बाबा साहब आंबेडकर के विचार पे ही बांधते हैं हम लोग। बाबा साहेबांनी एवढं सांगितलेलं आहे, सर्वजण एकत्र व्हा, आमच्या समाजाचे एकत्र होऊन बाबा साहेबाचा चांगला बना। बाबा साहब नहीं रहते तो हमें नहीं रहते। इनका कहना है कि उन्होंने जो संविधान दिया और आज वो अपना देश उस संविधान की वजह से ही चल रहा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सटीक, इतना सही और इतना सच्चा संविधान नहीं दिया होता तो ये देश भटक गया होता और ये देश शायद 1947 से भी पहले जिस तरह से स्थिति थी उससे भी बदतर होती। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, TV1 India, नई मुंबई। अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।